मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं जनूब मगरबी एशिया में मौजूद एक इस्लामी मुल्क इराक की। वो इराक जिसकी सरजमीन पर इंसानियत के ठेकेदार अमेरिका ने बेगुनाह इंसानों का बड़ी बेदर्दी से कत्लेआम किया। मैं आपको इस मुल्क की तारीख, वक़्त के साथ बदलते हालात और सद्दाम हुसैन की जिंदगी के चंद वाकया से भी रोशनास करवाऊंगा। लेकिन इन सब बातों को जानने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बरवक्त मिलता रहे। दोस्तों अगर इस मुल्क की तारीख में झांका जाए तो यहाँ मुख्तलिफ अदवार में सियासी मंजरनामे में बगावत और कत्लो गारत के बहुत से वाकयात मिलते हैं। इंसानी आबादी के आसार इस मुल्क में अरब के कदीम मुल्क होने का सबूत देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर सबसे पहले समीरी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने दरियाए फरात और दरियाए दजला के किनारे अपनी बस्तियां बसाई थी। शवाहद से पता चलता है कि इन लोगों की एशियाई लोगों से भी रवाबत कायम थे। समीरी लोगों की बाकियात से कुछ ऐसी चीजें भी मिली है जिन पर हिंदुस्तानी जानवरों की तस्वीरें बनी हुई थी। पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाले तारीख के कदीम शहर मोहनजोदड़ो के कब्रिस्तान से कुछ ऐसे आसार भी मिले हैं जो समीरी लोगों के कब्रिस्तान से भी मिले थे। कहा जाता है कि इराक में समीरी लोगों के बाद शाम से आए हुए लोगों का दौर शुरू हो गया जिनका हुकूमती मुकाम बाबल हुआ करता था। मुसलमानों ने इस सरजमीन पर पहला हमला हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की क्यादत में और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में किया और अगले 5 सालों में ये तकरीबन तमाम अरब पर छा चुके थे। 750 ईस्वी में यहाँ बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो गई। 1258 के बाद यहाँ मंगोलों, तुर्कमानों और सफारी हुक्मरानों की हुकूमत कायम हो गई। 1534 में यह इलाका सल्तनत उस्मानिया के जेर हो गया। 1918 में पहली जंग अजीम के खात्मे तक यह इलाका उस्मानी हुक्मरानों के कब्जे में रहा। 1920 में यहाँ बरतानिया ने कब्जा कर लिया और 1921 में बरतानिया ने शाह फैसल को इराक का बादशाह मुकर्रर कर दिया। 1933 में शाह फैसल की वफात के बाद उनका बेटा तख्त नशीन हुआ। 1939 में शाह फैसल के बेटे गाजी की वफात के बाद उनके बेटे शाह फैसल दोम को हुक्मरान बनाया गया। 1958 में जनरल अब्दुल करीम ने शाह फैसल की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और शाह फैसल को कत्ल करके हुकूमत इनकलाबी कौंसिल के हाथों में दे दी। 1963 के दौरान कर्नल अब्दुल्ला ने इकदार पर कब्जा कर लिया। 1966 में एक फजाई हादसे के दौरान कर्नल अब्दुल्ला की मौत हो गई। इनकी मौत के बाद उनके भाई अब्दुल रहमान मुल्की सदर मुंतखब हो गए। फिर चंद साल बाद हुकूमत दोबारा से इनकलाबी कौंसिल के जरिए जनरल अहमद अल बकर को मुंतकिल कर दी गई। 16 जुलाई 1989 को जनरल अहमद अल बकर के रिटायर होने के बाद सद्दाम हुसैन के हाथों में मुल्की भागदौड़ आ गई। 1980 में इराक और ईरान के दरमियान एक जंग हुई। 1981 में इसराइली तैयारों ने बगदाद में कायम एटमी घर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 1990 में सदाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। ईरान के साथ होने वाली जंग और कुवैत जंग दोनों इराक की नाकामी साबित हुई और इसे भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। 1998 में अमेरिका ने बरतानिया की हमायत हासिल करते हुए इराक पर हमला कर दिया। 2000 में ईरान और इराक के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसके बाद ये दोनों ममालिक अपनी फजाई हदूद में एक दूसरे के मुसाफिर तैयारों को आने की इजाजत देने लगे। 2003 में इराक में सरकारी जगहों पर सद्दाम हुसैन की तस्वीर को खत्म करते हुए वहां जैतून के दरख्त की तस्वीरें लगा दी गईं। इराक में अबूरी सिविल हुकूमत कायम कर दी गई जिसका इंतजाम एक अमरीकी अहदेदार के सुपुर्द कर दिया गया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को दहशतगर्द और दुनिया के लिए खतरा कहते हुए अवाम को इसके खिलाफ करना शुरू कर दिया और फिर तख्तादार पर भी लटका दिया। मगर वही अवाम जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ होकर अमेरिका के जरिए किसी नए इनकलाब की उम्मीद में थी आज तक जंगी झड़पों की सूरत में अपने गलत किए गए फैसलों को भुगत रहे हैं। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनकी इस बात को भी सच्चाई मिली
कि मेरी मौत के बाद तुम अरब वालों सुकून से नहीं सो सकोगे। अब इराक की हालत एक जंगी मैदान से कम नहीं। अमेरिका तो वहां अपनी फतह के झंडे गाड़कर निकल गया, मगर अपनी हमायती वहां छोड़ गया जो वहां अमेरिका के होने का यकीन देते हैं। दुआ है अल्लाह पाक से कि वहां के मुसलमानों की हिफाजत फरमा और उन्हें हर तरह के फितने और फसाद से दूर रख और हिदायत दे उन मुसलमानों को जो तेरे रास्ते से भटक चुके हैं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इराक का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरिया इराक है। इस मुल्क का नाम अरबी के लफज अल इराक से लिया गया है। इस नाम का इस्तेमाल यहाँ 6वीं सदी से पहले का होता आ रहा है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,33,072 मरबा किलोमीटर है। इस मुल्क का 89.9% खुश्की, जबकि 1.1% रकबा पानी से भरा हुआ है। अपने रकबे के एतबार से इस मुल्क का शुमार पूरी दुनिया में 58वें नंबर पर होता है। इस मुल्क की आबादी 3,72,02,000 अफराद के लगभग है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया भर में 36वें नंबर पर होता है। बगदाद इस मुल्क का दारुल हुकूमत है, जबकि इसी शहर बगदाद को इस मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर होने का एजाज हासिल है। इराक का परचम 3 रंगों, सुरख, सफेद और स्याह रंग पर मुश्तमिल होता है। इस परचम पर अल्लाह अकबर तहरीर किया होता है। अगर हम इस मुल्क के महल वकू की बात करें तो इस मुल्क के मशरक की जानब ईरान, मगरब की जानब उर्दन और शाम, शुमाल की जानब तुर्की और जनूब की जानब सऊदी अरब और कुवैत आते हैं। इस मुल्क को किसी भी अतराफ से समुंदर नहीं लगता। यही वजह है कि इस मुल्क का शुमार उन 43 ममालिक में होता है जिन्हें अतराफ से समुंदरी हदूद ना मिलने की वजह से जमीन बंद ममालिक या लैंड लॉक कंट्रीज कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क के नडर और बेबाक लीडर सद्दाम हुसैन, जिसे इराक का आखिरी बादशाह या सदर भी कहा जाता है, जिसे अमेरिका का हुक्म न मानने की वजह से फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। अमेरिका दुनिया में जिन लोगों से खौफजदा था उनमें क्यूबा के लीडर फिदेल कास्त्रो, लीबिया के सदर मुअम्मर कजाफी, इराकी सदर सद्दाम हुसैन और पाकिस्तानी सदर जियाउल हक शामिल थे। ये वही लीडर थे जिन्होंने इस्लामी दुनिया का नक्शा बदलने की ठान ली थी। अमेरिका को अपना वजूद खतरे में नजर आया तो इन्होंने मुकामी गद्दारों को साथ मिलाकर इन सभी को मौत की अबदी नींद सुला दिया था। इस्लामी दुनिया के ये शेर, जिनके बारे में आज ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये सब शेर थे और शेर कभी मरते नहीं, अल्लाह पाक इन सब को शहीदों में शुमार करे। सद्दाम हुसैन के वो कहे अल्फाज सद्दाम हुसैन के बाद तारीख की किताबों में सुनहरी रूप से लिखे जा चुके हैं। सद्दाम हुसैन ने अरबों को मुखातब होकर कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोग आराम से सोते रहो, लेकिन जिस दिन मैं चला गया तुम्हारी रातों की नींद उजड़ जाएगी। सद्दाम हुसैन की कही इस बात की जिंदा मिसाल इराक, यमन और शाम की मौजूदा हालत हर किसी के सामने है। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क के दिलचस्प पकाए की बात करें तो यह मुल्क पूरी दुनिया में तेल के जखाए रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले पहिए की ईजाद भी इसी मुल्क में हुई थी। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन आपको ये बात जानकर शायद हैरानगी हो कि इस बात को दुनिया को बतलाने वाला भी इराक ही था। किस्मत की लकीरों को जानने का इलम भी इसी सरजमीन यानी इराक से हुआ था। 2003 से पहले बगदाद का चिड़ियाघर पूरे अरब का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हुआ करता था, जहां पर इस वक्त 600 से ज्यादा इकसाम के जानवर और परिंदे मौजूद थे। आपने अलीबाबा के मौजू पर बनी फिल्में या लिखी हुई कहानियां तो जरूर पढ़ी होंगी, मगर आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि इस कहानी को लिखने वाला भी एक इराकी ही था। दुनिया में सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां पालना और इनसे शहद हासिल करने का सहरा भी इसी मुल्क यानी इसी मुल्क के शहरियों के सर जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि खलीफा बगदाद मामूनू रशीद की शादी के मौका पर महल की छत से छोटे छोटे सुराखों के जरिए कीमती हीरे बरसाए गए थे। कहा जाता है कि इन हीरों की कीमत आज के पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 20,85,00,000 बनती है, यानी 20,85,00,000 रुपए उस वक्त आए हुए मेहमानों पर बरसा दिए गए थे। इराक का कौमी जानवर बकरी है, जबकि इस मुल्क का कौमी परिंदा चकोर है। सुरख गुलाब इस मुल्क का कौमी फूल का दर्जा रखता है। इराक में बसने वाले अगर लोगों की बात की जाए
तो 80% लोग मुकामी अरब कबाइल से ताल्लुक रखते हैं, 15% कुर्द लोग, जबकि बाकी 5% दीगर नस्लों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। दोस्तों, इराक में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान अरबी और कुर्दिश है। 2003 तक इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा सिर्फ अरबी जुबान को हासिल रहा। जून 2003 में कुर्दिश जुबान को इस मुल्क की दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया। मुल्क में दीगर ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में शीकी, मेंडेक, आर्मेनी, सरसियान और फारसी जुबान अहम तरीन जुबाने हैं। इस मुल्क की 99% आबादी मुसलमान है। मुसलमानों में यहाँ 60% शिया, जबकि बाकी मुसलमानों की तादाद सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखती है, जबकि कुल आबादी का 1% हिस्सा वो लोग भी हैं जो बहाइयत, यजीदियत और हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं। नजफ और करबला दुनिया भर के शिया अफराद के लिए दो सबसे मुकद्दस मुकामात हैं जो इसी मुल्क में मौजूद हैं। इस बात का ये हरगिज मकसद नहीं कि दीगर फिरकों से ताल्लुक रखने वालों के लिए ये अहम नहीं। ये वो मुकामात हैं जो हमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की दास्तान सुनाते हैं। यहां मैं एक बात आप लोगों को वाजिया करता चलूं कि इस वीडियो के बाद कोई भी दोस्त, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो या सलफी हो, कमेंट की सूरत में एक दूसरे को तंज ना करें, वरना ऐसा करने वाले को मैं ब्लॉक कर दूंगा। तफरकाबाजी ना फैले, इसी वजह से मैंने इस मुल्क की इस्लामी तारीख पर भी ज्यादा बात नहीं की है। दोस्तों, इराक पर लगाई गई तजारती और इक्तसादी पाबंदियों का एक बहुत बुरा और गहरा असर वहां के तालीमी निज़ाम पर भी पड़ा था। मुल्की हालात और वहां बदअमनी की वजह से इस मुल्क का शुमार अरब के सबसे कम तालीम याफ्ता ममालिक में होने लगा, वगरना सदाम हुसैन के दौर में हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लेकिन आज इस मुल्क में तालीम की शरह 40% तक आन पहुंची है। इराक का ज्यादातर इलाका रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है। दरियाए फुरात और दरियाए दजला के करीबी इलाके इराक के सबसे सरसब्ज इलाके शुमार किए जाते हैं। इराक की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर भी तकरीबन इन्हीं दरियाओं के किनारों पर आबाद हैं। मुल्क के शुमाली हिस्से में पहाड़ भी मौजूद हैं। मुल्क का ज्यादातर इलाका सहराई होने की वजह से मौसम भी गर्म और खुश्क ही रहता है। इराक में बारिशें बहुत ही कम बरसती हैं। औसतन दर्जा हरारत 40 डिग्री होता है, जबकि गर्मियों में यह दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। सर्दियों में शुमाली पहाड़ों में कभी कभार बर्फबारी भी होने लगती है, जिसकी वजह से कभी कभार ठंडी हवाएं भी चलती हैं। इन हवाओं से दर्जा हरारत में कमी भी हो जाती है। इराकी मईशत का ज्यादातर इन्हिसार तेल की पैदावार पर है। यही वजह है कि तेल की एक्सपोर्ट ही की वजह से ये मुल्क अपनी मईशत का 95% हिस्सा गैर मुल्की करेंसी की सूरत में हासिल करता है। अमेरिका के वहां हमलों के बाद से हालात ये हैं कि मुल्की आबादी का 30% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मुल्की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में 2000 से ज़ायद तेल के कुएं हैं, मगर जब अक्वामे मुतहदा की जानब से इस मुल्क पर पाबंदियां लगाई गईं तो तेल की पैदावार 85% कम हो गई थी। 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के बाद इन सभी पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया, जिनका फ़ायदा आज तक अमेरिका उठा रहा है। इराक की करंसी को इराकी दिनार कहा जाता है। किसी वक्त में अपनी करंसी की एक बहुत बड़ी वैल्यू रखने वाले मुल्क का आज ये हाल है कि एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 8.5 इराकी दिनार हासिल किए जाते हैं। इराक में साफ पानी का भी एक बहुत बड़ा मसला है, जो अभी तक किसी से हल नहीं हो सका। देही इलाकों में सिर्फ 70% लोगों को ही साफ पानी मुहैया होता है, जबकि बाकी आबादी दरियाओं का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। एक वक्त था जब इस मुल्क में हर तरह की सेहत की सहूलियात दस्तयाब थी, मगर आज सेहत की सहूलियात यहाँ ना होने के बराबर हैं। अब यहाँ हालत यह है कि 10,000 इंसानों के लिए 7 डॉक्टर्स और 14 नर्सें दस्तयाब हैं। इराक में इंसानों की औसतन उम्र 68 साल के करीब है। 1995 से पहले यहाँ इंसानों की औसतन उम्र 71 साल हुआ करती थी। इराकी लोग कदीम रवायती खानों के साथ साथ आज गैर मुल्की और जदीद दौर के खाने खाने के भी शौकीन नजर आते हैं। 1995 में अरब के दीगर ममालिक में मोबाइल फोन की सहूलियात दस्तयाब होने के बावजूद भी इराकी कौम 2003 तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से कासी रही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने मोबाइल के इस्तेमाल पर वहां पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन आज इस मुल्क की 70 से 75% आबादी मोबाइल फोन का बाकायदा इस्तेमाल करती है।
फुटबॉल इराक की सबसे मकबूल खेल और इसी खेल को इराक की कौमी खेल का दर्जा भी दिया गया है। इराक की दीगर पसंदीदा खेलों में बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और टेनिस शामिल हैं। इराक वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, जबकि इस मुल्क की पाकिस्तान से दूरी 2438 किलोमीटर है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +994 और डोमेन नेम .iq है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इस मुल्क में सैर या ज़ियारत की गर्ज़ से जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में मौजूद इराकी एम्बेसी से वीज़ा हासिल करते हुए आप इस मुल्क में बआसानी जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी इराक के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो हबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी ऐसी किसी मालूमती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।